ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे अभी मैं प्रश्न पूछना शुरू करूंगा तो दो मिनट में पीछे बैठ जाएंगे ईमानदारी का था से कि आप अपने आयो को मेरे मत का हर व्यक्ति ईमानदार है क्योंकि तो उसने वर्दी पहन रखी है चेहरे से समझ में आ जाता है कि कितने पानी में ये लोग थानेदार ने लिख दिया होगा ये मेरे यहाँ का रेसिडेंट है उसने लिख के दिया होगा इनके खिलाफ कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है उस थानेदार को अभियुक्त बनाने का कोई कोई विचार है नहीं, नहीं है विचार क्यों क्योंकि वो लगा वर्दी लगाए हुए है वर्दीधारी आदमी बड़ा ईमानदार है आपका ये कहना है क्योंकि नहीं, आपने नहीं, भी वर्दी लगाई हुई है ऐसा ऐसा नहीं नहीं, नहीं पासपोर्ट जो बनता है उसमें पुलिस वेरिफिकेशन होता है कि नहीं होता है, होता है। उसमें वो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन के एसएचओ को ये सर्टिफाई करना होता है कि नहीं कि यस ही इज अ रेसिडेंट ऑफ माय लोकलिटी and as per my record he has no criminal antecedents criminal antecedents का मैं मान सकता हूं क्योंकि वो वहां का रहने वाला नहीं था तो वहां नहीं होगा how he gave a certificate that he is a resident of my locality sir क्योंकि जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है इसका एड्रेस प्रूफ लगा था वहां इसका एड्रेस प्रूफ लगा था तो इसी वो एसएचओ साहब ने जाके तस्दीक की थी that is still under तो आप आप सीधा सा स्टेटमेंट दीजिए आप उस एसएचओ को अक्यूज बनाने के विचार में हैं कि नहीं सर एक आदमी ने वर्दी पहन ली है और वर्दी आपकी वर्दी से मिलती जुलती है तो इसलिए वो ईमानदार हैं तो ऐसा सर्टिफिकेट आप अपने आप को नहीं दे सकते राइट right? बिल्कुल इन्होंने एक फेक करेंट नोट बनाया फाइन वो आपके कब्जे में नहीं आया है वो भी ठीक है सर्टिफिकेशन करने वाले अथॉरिटी के खिलाफ आपके क्या विचार हैं जरा यहीं बता के जाइए हम लिखेंगे ऑर्डर या दस साहब को जरा बुला लो अरे ऐसा ही साहब है ये क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे भाई प्रॉब्लम तो यही है अब बातें कोर्ट में बड़ी-बड़ी करते हैं ये इन्वेस्टिगेशन करेंगे अभी मैं प्रश्न पूछना शुरू करूंगा तो दो मिनट में पीछे बैठ जाएंगे जाके न्यूली वो तो चेहरे से दिख रहा था कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे कब अपॉइंट हुए आप न्यूली सर 22 तारीख को मैंने ज्वाइन किया है 22 तारीख को ज्वाइन किया सर फिर आप नागपुर गए सर अभी इसके पहले वाली जो टीम थी वो नागपुर गई थी सर तो 22 मई से पहले आप तो कह रहे 26 मई को आपने इन पर बुकिंग किया नहीं ये 22 जून को ज्वाइन किया है 22 जून को हां 22 जून 22 जून को तो 26 मई से लेके 22 जून तक क्या किया गया

अगर वो वेरिफिकेशन में ये गलत वेरिफिकेशन दिया गया हुआ जी सर। तो आप उनको अपराधी बनाएंगे क्रिमिनल एक्ट में आएगा तो आएगा। एक नहीं आएगा। जब आप कह रहे हो कि इन्होंने फर्जी पता पासपोर्ट लिया है और उस पे वेरिफिकेशन है कि हाँ इनका पता फर्जी नहीं है सही है वो तो क्रिमिनल एक्ट है कि नहीं सामने आएगा सीधी बात करो मेरे सामने मैंने इसीलिए कहा था वकील साहब से कि आप अपने आइयो को मेरे सामने मत लगाना बनाएंगे क्योंकि ये अपनी वर्दी की ईमानदारी का डंडोरा इस कदर पीटते हैं कि पूरे देश का हर व्यक्ति ईमानदार है क्योंकि उसने वर्दी पहन रखी है फर्जी पते से पासपोर्ट बनाना क्रिमिनल एक्ट है फर्जी पते को सही पता बताना क्रिमिनल एक्ट नहीं है क्यों क्योंकि फर्जी पते को सही बताने वाले आदमी ने वर्दी पहन रखी है ये आपका आइयो है क्या बात कर रहे हो यार आप सही बनाएंगे सॉरी नहीं अब आप चुप रहिए मैंने आपके वकील साहब से यही कह दिया था कि आपका आईओ उसमें इतनी ग्रेविटी नहीं दिख रही है कि इन्वेस्टिगेशन करेगा फर्जी पता देना आपराधिक कृत्य है फर्जी पता क्यों सही बताना आपराधिक कृत्य नहीं है जबकि वो फर्जी पता जो दिया गया था बाय इट सेल्फ इज नॉट सफिशियंट टू ग्रांट पासपोर्ट इनके जैसे टीआई या एसएचओ ने जो सर्टिफिकेट दिया उसके कारण से पासपोर्ट बना था वो कहते हैं कि वो फर्जी काम नहीं है ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है आपके saying that... Forget about saying that. मैंने कहा था कि आप मेरे पास आपने कहा था कि मैंने कहा था मेरे सामने मत खड़ा करना नहीं तो ये कुछ नहीं जवाब दे पाएगा जी। चेहरे से समझ में आ जाता है कि कितने पानी में ये लोग अभी तक 26 मई के बाद से पासपोर्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सीज करने के लिए आपके आइयों ने क्या क्या कार्यवाही की ये बताइए कौन सा लेटर लिखा है और कब गया है ये बताइए डायरी में नहीं है इस मई के पहले की डायरी आई हुई थी अरे यार डायरी आप रखो कोई बात नहीं मई के पहले की डायरी आई तो मुझे क्या मान ये मई की डायरी हमें क्या लेना देना हमने जब डायरी बुलाई है तो आपकी मर्जी है कब की डायरी भेजना है

क्या मजाक करते हो यार? छब्बीस के बाद कौन सा लेटर गया है कि इस से में सारे दस्तावेजों की प्रति दी जाए कहाँ लिखा है वो लेटर दिख लीजिए आदमियों को जेल में रख देंगे और डायरियों पे कुंडली मार के बैठ जाएंगे अब आप रूपरा साहब मुझे तो नहीं मालूम था ना इन्होंने क्या हरकतें की हैं इनका तो चेहरा देख के मैंने बता दिया था कि यह आदमी इन्वेस्टिगेशन के लायक नहीं है क्या जवाब देगा ये मेरे पातों का तो इन्होंने तो डायरी तक नहीं खोली है और आप बेल एप्लीकेशन को अपोज करने आए बताइए क्या किया जून में क्या किया इन्होंने जब इनको डायरी मिल गई रूपरा तो साहब मैंने तो पहले बोल रखा था चेहरा पढ़ना मुझे बहुत अच्छे से आता है हमें तो, तो नहीं मालूम था ना कि यह कुंडली मार के बैठे हुए हैं डायरी पे निकल आया ना बाईस जून को इनको जायरी दी गई है और उसके बाद आज तक एक पर्चा नहीं खोला तो है तो डायरी प्रोसीडिंग्स में बता दीजिए उसमें लिख दीजिए कि डायरी बहुत भारी हो रही है तो वो हम ये कागजों को अलग फाइल में मेंटेन करेंगे डायरी प्रोसीडिंग्स में बता दीजिए कि आज फलानी तारीख को एसपी के मार्फत से ये पत्र भेजा गया है और रूपरा साहब इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया इनको कैसे पता डायरी बड़ी बल्कि हो रही थी इसलिए सेपरेट कर दिया स्पॉट पे ब्लास्ट हुआ था उसके बाद कुछ और फॉर्म पर अवेलेबल थे

इसके बारे में क्या विचार है अब आप एसपी को तो बुला लो पता तो चले उसको भी और डायरेक्ट भाई वो बीसी से कनेक्ट कर जाए हमें हमें मत बताओ कि एनआईए की टीम आई थी अपने आईओ को बताओ कि एनआईए की टीम आई थी तो और तुम कर क्या रहे हो साहब इनका सार्थ। जो आईओ अंदर आया आई मेड अ कमेंट आफ्टर लुकिंग एट द एक्सप्रेशंस ऑन द फेस ऑफ द आईओ मैंने कई आदमी कुछ नहीं कर पाएगा राइट सुनिए तो बाईस जून को इन्होंने टेक ओवर की है डायरी आज तक एक पन्ना नहीं लिखा है fact, time, I... अरे यार आप उनकी बात छोड़ो फेस रीडिंग में हम कितने माहिर उसकी बात करो हम लोग के तो तारीफ करेंगे सर आप इस बात की तारीफ नहीं करेंगे कि बिना डायरी देखे आइयो का चेहरा देख के बता दिया कि इस आदमी के बस का yes. कुछ नहीं है He was not aware with the all the facts. That I admit. That I admit. When I called him, he was not. You aware. did not, sir. What they were? Why I called you? What he was saying that uh, as per your uh, confessional statement, some fake or non was prepared in the year 2022, and on the basis of that, the passport was got prepared in the year 2022. My question was, okay, if it that allegation is accepted, then that application or the address proof must have been got verified from the police. वेदर यू आर इंटेंडिंग टू इम्पलीड दैट पर्सन वेरीफाइड नॉट सर अगर उनका आपराधिक कृत्य होगा तो, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि फर्जी पता देना आपराधिक कृत्य है आपके हिसाब से तो फर्जी पता को सही पता लिखना आपराधिक कृत्य क्यों नहीं है अब तो ये इस विचार में कि चूंकि वो भी वर्दी पहनता है तो वो तो ईमानदार है इसलिए मैंने कहा था कि सर आपसे भी थोड़ा सा पूछा जाए